भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा अब कभी भी ग्रैंड स्लैम के टेनिस कोर्ट पर जलवा नहीं दिखा पाएंगी। ऑस्ट्रेलिया में जारी साल 2023 के पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन में सानिया मिर्जा ने मिक्स डबल कैटेगरी में रोहन बोपन्ना के साथ फाइनल तक का सफर पूरा किया। हालांकि फाइनल मुकाबले में उन्हें ब्राजील की लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटास की जोड़ी से लगातार दो सेटों में 7-6, 6-2 से हार मिली। इस तरह अपने 18 साल के लंबे करियर के अंतिम ग्रैंड स्लैम मुकाबले में हार के बाद ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को अलविदा कहते हुए सानिया मिर्जा की आंखों में आंसू छलक पड़े और उन्होंने अपने सफर को याद करते हुए भावुक बयान दे डाला। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी को फाइनल मुकाबले में हार के बाद सानिया मिर्जा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर सकी। सानिया मिर्जा ने मैच के बाद कोर्ट पर इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरे करियर की शुरुआत मेलबर्न से ही हुई थी। साल 2005 में जब मैं 18 साल की थी तब मैंने सेरेना विलियम्स के सामने भी मैच खेला था। उस दौरान भी मैं तीसरे दौर से बाहर हो गई थी। अब इसी मेलबर्न के मैदान में 18 साल के बाद लंबे करियर की समाप्ति करना मेरे लिए बेहद खास है। मैं अपने करियर की इससे बेहतर समाप्ति नहीं सोच सकती। सानिया मिर्जा जब ये बयान दे रही थी उसी दौरान उनकी आंखों से आंसू निकल आए और वो रोती हुई नजर आई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।